सो टॉपिक नंबर 9 है सोशल मीडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसा टॉपिक है कि लाइक आपका फेसबुक, व्हाट्सअप या ऐसे कुछ करंट का लिंक्डइन या फिर और यूट्यूब करके, अगर इससे कुछ डिजिटल टाइप का टॉपिक आता है तो ये सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ऐसा टॉपिक है जो आपके काफ़ी टॉपिक्स को और भी कवरअप कर सकता है। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट, दोनों चीज़ों को होते हैं। मोस्टली आपको पता होता है मेरिट एंड डिमेरिट, प्रोस एंड कॉन्स, एवरीथिंग गाइज होते हैं। हर एक चीज़ के मोस्टली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको नहीं मिलते प्रोस एंड कॉन्स, अदरवाइज हर एक टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स तो मिल ही जाते हैं। सो इससे पहले के टॉपिक 8 तक के जो भी PDFs हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएंगे, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी और भी अगर वीडियोज़ देखना है तो यहाँ पर जब आपको PDF मिलेगा तो प्रीवियस टाइम के वीडियोज़ जाके इधर से देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइप वाइज विच विल हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, आई मीन गाइस मैं हमेशा टाइप वाइज ही रखता हूँ। टाइप वाइज क्या होता है कि आपका मतलब आप इस तरह से बोल सकते हो एयरफोर्स GD में आपके लिए बेटर होगा। टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड आपका मैंने इस तरह से लिखा है टाइप सेकंड कि यहाँ पे आपको विद इंट्रोडक्शन आप इस तरह से बोल सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन के साथ में GD यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। अब देखो आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और भी अगर ज़्यादा दिक्कत आ रहा हो आपको, अगर इंट्रोडक्शन ज़्यादा ही वो है जल्दी, तो मुझे यहाँ पे मेल ID पे अपना वीडियो भी बना के भेज सकते हो। बस यही है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल भी कर रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी बता भी रखा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हेलो आई एम आयुष सिंह फ्रॉम कानपुर, ये आपका जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा तो आप ये बोल सकते हो, अदरवाइज इसका कोई नीड भी नहीं है कि आप ये बोलना चाहते हो। ठीक है अपना नाम हेलो आई एम सिंह, आप जो अपना नाम बोलोगे, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है, और यहाँ पे आप हेलो की जगह पे जय हिंद एवरीवन बोल सकते हो, नमस्ते जो भी आपको बेटर लगे वो आप बोल सकते हो। आप लाइक केरला से बिलोंग करते हो तो आपकी उधर कुछ उस लैंग्वेज में बोलना चाहता हो तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है, बट मुझे नहीं लगता। चलो आई एम हैप्पी टू स्पीक अबाउट सच अ गुड टॉपिक्स, मतलब मुझे खुशी होगी कि मैं इस टॉपिक के अच्छे से टॉपिक की एक अच्छा टॉपिक है, ट्रेंडिंग का टॉपिक, हमेशा ट्रेंडिंग पर रहता है सोशल मीडिया, कुछ भी वायरल मतलब कुछ भी वायरल होता, कुछ पॉजिटिव चीज़ें कुछ निगेटिव चीज़ें। ठीक है अब लाइक अभी टोक्यो पे ओलंपिक्स चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा, तो ओलंपिक का हम हर एक अपडेट ले पा रहे हैं, किसकी वजह से ले पा रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से ही तो ले पा रहे हैं। पेपर आप एयरफोर्स का देने गए थे, आपका पेपर था 12 तारीख को, एक भाई का पेपर था 18 तारीख को, इस 18 तारीख वाले को सब शिफ्ट का पता है कि किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे सोशल मीडिया की वजह से ही तो पता है ना, अभी आप वीडियो देख पा रहे हो सोशल मीडिया की वजह से ही देख पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आई एम हैप्पी टू स्पीक अबाउट सच अ गुड टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी गाइज, आपका जो भी डाउट हो ना, मतलब डाउट क्या, मेरा कहने का मतलब आपके जो भी इस टॉपिक के बारे में जो भी पता हो, ये एक ऐसा टॉपिक है मुझे लगता है मोस्टली लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे कि इसके बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि जो भी आपको पता हो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कुछ भी लिखो, वो मुझे बताओ। ठीक है अकॉर्डिंग टू मी सोशल मीडिया इज नाउ पार्ट ऑफ एवरीवन लाइफ जस्ट लाइक अ रेडियो एंड न्यूज़पेपर एंड TV। मेरे अकॉर्डिंग भाई मेरा कहना है कि सोशल मीडिया जो है पार्ट ऑफ एवरीवन लाइफ, मतलब कि हर एक व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल बोलूँ, जैसे कि रेडियो, अभी रेडियो तो कोई उतना ज़्यादा यूज नहीं करता, न्यूज़पेपर नहीं, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इनकी जगह पे मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा यूज किया जाता है, स्मार्टफोन्स का ज़्यादा यूज किया जाता है, बट इसकी तरह ही एक मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका सोशल मीडिया है पार्टनर टाइप में बन चुका है लाइफ का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। स्टिल टू से अबाउट मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ सोशल मीडिया आई हैव मेंशन इन पॉइंट्स एज फॉलोज, और एक बात और बता देता हूँ, कहीं भी अगर टेंस में एरर हो जाए, कहीं गलती हो जाए, जो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखने को बैठ जाओ, तो भाई सॉरी पहले से बोल देता हूँ, मैं भी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है मैं थोड़ा गूगल का भी हेल्प लेता हूँ, बट फिर भी अगर हो जाता है मिस्टेक तो पहले से ऑलरेडी सॉरी बोल देता हूँ, बट डोंट वरी ऐसा नहीं होता है। ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ, चेक भी कर लेता हूँ। स्टिल टू से मैं इसके बारे में कुछ इसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में सोशल मीडिया के बारे में बात करूँगा, जो मैंने नीचे दे रखे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं इसके मेरिट की बात कर लेता हूँ, मेरिट मतलब इसके गुण की बात कर लेता हूँ, इसके फायदे के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर इसके अवगुण के बारे में बात कर लेंगे, डिमेरिट के बारे में बात कर लेंगे, कॉन्स के बारे में बात कर लेंगे, अभी हम प्रोस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो यहाँ पे मेरिट की बात कर लेते हैं। इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर गुड मेंटल हेल्थ, पहला नंबर अपना पॉइंट क्या हुआ, इंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट, मतलब कि इंटरटेनमेंट मनोरंजन और रिफ्रेशमेंट के लिए नेसेसरी है, और गुड मेंटल हेल्थ के लिए भी अपना नेसेसरी है क्या, सोशल मीडिया, यहाँ से हमें इंटरटेनमेंट मिल जाता है, सिंपल सी बात है। जब आप कभी उदास हो तो आप कोई भी वॉइस देख लेते हो, फनी देख लेते हो, कुछ भी देख लेते हो, ठीक है, बट वो मतलब इन अ पॉजिटिव है, आई मीन लाइक आशीष चंचलानी, राउंड टू हेल, BB की वॉइस, या फिर आप कोई भी देख ले तो आपको जो बेस्ट लगता हो
ऐसा करके मैं इन्हें देखता हूँ ज़्यादा करके, ठीक है। टीचेस मैनी न्यू स्किल्स बाय एक्सपर्ट्स एंड टीचेस मैनी न्यू स्किल्स बाय एक्सपर्ट्स एंड हेल्प टू लर्न मैनी न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ अवेलेबल। गाइज यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि नए नए चीज़ें आप सीख सकते हो, आप जो भी चाहो यूट्यूब की मदद से। मुझे तो लगता है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं अवेलेबल जो आपको यूट्यूब से सिखाई ना जा सकती हो, मतलब यूट्यूब में आई थिंक हर एक चीज़ें अवेलेबल है। तो आप नए नए एक्सपर्ट के थ्रू सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, उनसे जानकारी ले सकते हो। अच्छा एक बात यहाँ पर और भी आपको बता देता हूँ, नंबर दो पे आप ऐसे कोई भी अनअकैडमी में प्लस लेना चाहता हो तो ले सकता है। मतलब अभी न्यू बैचेस भी लॉन्च हुए हैं अपकमिंग के लिए, तो मैं उसके रिगार्डिंग बता देता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ। अभी ये वाला पॉइंट हो ही रहा था तो मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बैक आ जाते हैं। रुकना, वीडियो लीव करके मत जाना। अनअकैडमी पे देखो हमेशा मतलब कि न्यू बैच वगैरह आते रहते हैं। 20 मंडे सेकेंड बैच आपका लॉन्च हो चुका है जो 11 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है। उसमें आपका प्राइट एयरफोर्स एक्शन वायु ग्रुप बैच भी आपका 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट बैच ये आपका स्टार्ट हो रहा है जो 30 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेता है तो 2 मंथ का फ्री मिल जाता है, कोई 24 मंथ का लेता है तो 4 मंथ का फ्री मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके फ़ोन में होगा तो टाइम को सिलेक्ट कर लेना, देन यहाँ पे आपको कोड का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप कोड अपना ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हो। बाकी अपना कोड ऑनलाइन D50 है, इसे जरूर अप्लाई करना। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो नंबर थर्ड पे बात करते हैं, ओपन अप्स प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एंड आल्सो अट्रैक्ट रिलेवेंट टारगेट ऑडियंस एंड बायर्स। मतलब कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओपन अप्स प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग, लाइक मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का लाइक प्रचार कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। और उससे हम होता है यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो, लाइक कोई भी एडवर्टाइजमेंट यार, कुछ भी, मान लो जैसे मैंने अभी कुछ बोला जैसे कि, तो वो लाइक था कि आपको बताना था कि हाँ इस तरह से ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो कुछ, ठीक है, प्रमोशन टाइप में ऐसा बोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ, ठीक है। ओपन अप प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, मतलब इन अ पॉजिटिव वे, मेरा कहने का मतलब आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो जो आपके लिए फायदे मेरिट वाली कैटेगरी में आ जाती हैं। आगे बात करते हैं फोन नंबर, स्टेइंग अपडेटेड एंड अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग ग्लोबली अबाउट ईच एंड एवरी न्यूज इन फ्यू मिनट्स। आप ये वाला पॉइंट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कैटेगरी में रख सकते हो, लाइक हर एक चीज़ से आप अपडेटेड रहते हो, हर एक चीज़ अपडेटेड रहते हो आपका ग्लोबली, मतलब कि जो वर्ल्ड पे जो चीज़ें घटित होती हैं हर एक सेकेंड्स में आपको कुछ ना कुछ मिनट्स में पता रहता है कि भाई ओलंपिक में भारत किससे खेला है, रवि दहिया सिल्वर मेडल जीत गए या आज बजरंग पुनिया सेकेंड मैच हार गए। मुझे मतलब मैं सोच रहा था कि आज जीतेंगे, बट कोई नहीं, कल ब्रॉन्ज पे देखते हैं। कल अपने 3 मैच हैं, एक गोल्फ का है, ठीक है, और मैम क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल गया, और दूसरा एक बजरंग पुनिया सर का है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, और एक अपने जो जेसीओ सर हैं उनका निखिल चोपड़ा सर, ठीक है, तो वो देखेंगे कल। चलो आगे बात कर लेते हैं, 5वां नंबर, इंक्रीजेस नॉलेज अबाउट अननोन एंड अनएक्सप्लोर कंटेंट ब्लॉक्स एंड इन्फॉर्मेशन। ये भी सारी सारी मतलब काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता चलती हैं, नहीं मतलब पता होती, हम उनके बारे में सीख सकते हैं। इंक्रीजेस कनेक्शन विद फ्रेंड्स कस्टमर्स क्लाइंट फैमिली एंड कॉलेज ETC। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कनेक्शन विद, ये वाला मतलब मैंने शॉर्ट पे लिखा, बट आपको बता सकता हूँ लाइक अपने फ्रेंड्स को। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था आज से लगभग 1.5 साल पहले, न्यूज पे पढ़ा था, उसमें था कि फेसबुक की मदद से 10 साल के बाद लगभग 20 दोस्त मिल पाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, फ्रेंड्स से, कस्टमर से, क्लाइंट से, फैमिली वालों से। मान लो आप फॉरेन में रहते हो एंड कॉलिग्स अपने दोस्त फॉरेन में रहते हैं, तो भाई उनसे कैसे टच में रहोगे, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो रहोगे, ठीक है। 7वां नंबर, थ्रू सोशल मीडिया एवरीवन कैन एक्सचेंज देयर थॉट्स आइडियाज़ व्यूज़ एंड ओपिनियंस। सोशल मीडिया के थ्रू अभी मैं मान लो अपने व्यूज़ बता रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में थोड़ा, लेकिन आप भी तो अपने व्यूज़ बता सकते हो कि भाई हाँ आप गलत बोल रहे हो यार, ये आपका नहीं, या फिर आप सही बोल रहे हो, आप ये वाली चीज़ें यहाँ से रिमूव कर सकते हो और ये वाली चीज़ें यहाँ पर बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अपने अपने वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि आप जाके ये चीज़ें बोलो कि थ्रू सोशल मीडिया एवरीवन कैन एक्सचेंज, अब एक्सचेंज कर सकता है अपने आइडियाज़ व्यूज़ और ओपिनियंस को, मतलब बता सकता है। एज एवरी कॉइन हैज, जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सोशल मीडिया की भी वही सेम चीज़ें यहाँ पे आज देखने को मिल जाते हैं। डिमेरिट की बात कर लेते हैं, रिडक्शन इन द यूजर्स ऑफ बुक्स एंड डिक्शनरीज एंड इंक्रीज इन द डिपेंडेंस ऑन गैजेट्स एप्स एंड गूगल एप्स फॉर। सिंपल सी बात है, हम बुक्स वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको सामने ये बुक, मेरे फ्रेंड ने एक मुझे बुक दी थी, मेरा बर्थडे था 29 मई को, मेरे फ्रेंड ने एक बुक दी थी, अपना एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, और उसने एक मुझे बुक दी थी हाउ टू पता नहीं हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल हाउ टू इन्फ्लुएंस, दो बुक दी थी, एक द सीक्रेट करके थी, एक हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल करके थी, ठीक है। तो
हाँ कुछ ऐसे। तो मैंने बुक नहीं पढ़ा, मैंने उसका समरी देखा, मतलब उसका समरी सुना, और उसके लिए मैंने एक ऐप से मतलब उसका पूरे समरी सुन डाला। तो सुनने में मुझे वो हमेशा याद ही नहीं रहेगा, वो वाली बात ही नहीं होती। मतलब कहने का, आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं सिंपल से, ये मान लो आपको खुद पढ़ना और ये आपको वीडियो पे कोई बता रहा है, तो सिंपल आप इसी को प्रिफर करो क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है, जबकि ये चीज़ गलत है आपकी खुद की मेंटेलिटी के लिए भाई। ठीक है ना, हम गैजेट्स पे, ऐप्स पे, इन सारी चीज़ों पे कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट बन रहे हैं। आगे बात करते हैं, फेक आइडीज एंड पेजेस क्रिएट्स इरिलीवेंट स्टफ एंड इनोइंग मैसेजेस एंड इवन इन्फ्लुएंस पीपल टू द रॉन्ग डायरेक्शन। फेक आइडीज बना के कुछ लोग पेजेस क्रिएट कर देते हैं, लाइक किसी को लाइक गलत चीज़ों की ओर अट्रैक्ट करते हैं, लाइक किसी चीज़ को किसी गलत मकसद के लिए उकसाते हैं। और ऐसा न्यूज में भी मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था कि किसी लेडी ने ऐसा बना दिया था, एक मतलब अकाउंट था यूट्यूब पे, वीडियोज़ अपलोड करती थी लाइक मुस्लिम्स वाला, मुस्लिम और हिंदू में कुछ ऐसा भड़काना टाइप में। भाई ऐसा कुछ नहीं होता आपस में, ठीक है, अपन तो डिफेंस एस्पिरेंट हैं, ठीक है, सभी साथ में ट्रेनिंग करते हैं, सभी साथ में रहते हैं। तो कुछ ऐसा सीन हो गया था तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आगे यहाँ पे, इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स एंड अनएथिकल एक्टिविटीज लाइक हैकिंग। मतलब कि साइबर क्राइम्स भी बढ़ जाते हैं कभी कभी, हैकिंग वगैरह का भी इशू आ जाता है। ये ऑनलाइन पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो डिजिटल इंडिया वाला भी टॉपिक आप कवर कर सकते हो। लॉस ऑफ कनेक्शन, इमोशनल इफेक्शन एंड रिलेशनशिप विथ फैमिली मेम्बर्स। लॉस ऑफ कनेक्शन मतलब कि कनेक्शन को खो देना, मतलब होता क्या है, सोशल मीडिया पर पता लगा पूरा का पूरा दिन पबजी पर लगे पड़े हैं, ठीक है, अपने कमरे में बैठे हैं, मम्मी के लिए टाइम नहीं है, पापा के लिए टाइम नहीं है, या जिनकी शादी हो गई इनको वाइफ के लिए टाइम नहीं है, हस्बैंड के लिए टाइम नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी पड़े हैं। तो ये वाला भी काफ़ी कुछ सीन क्रिएट होकर आ जाता है। मैं डिमेरिट की बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की, स्पॉइल मच टाइम इन जस्ट शेयरिंग फोटोज एंड वीडियोज मियरली फॉर लाइक्स। मतलब अपना टाइम वेस्ट करना, ठीक है, और जैसे कि कुछ फोटोज कुछ वीडियोज और उसके बाद अपना लाइक्स के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, लाइक इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड किया, उसके बाद उसमें एक निगेटिव कमेंट, 10 पॉजिटिव कमेंट है और एक नेगेटिव कमेंट आ गया, तो भाई आप उसी पे फोकस करोगे कि हाँ ये नेगेटिव कमेंट कैसे आ गया यार। वो बोलेगा भाई आपकी नाक छोटी है, तो आपको बस हमेशा वही बात याद रहेगी कि आपकी नाक छोटी है, आपके बाल नहीं है, या आपका दांत टूटा हुआ है, तो आपको बस वहाँ नेगेटिव चीज़ की ओर आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, सिंपल सी बात है। कुछ ऐसा आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट मैनेज कर लेना, थोड़ा सा ज़्यादा है भी ये टॉपिक ऐसा। इमर्जिंग ट्रेमेंडियस लेवल ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, इंसोमेनिया एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक एंजाइटी चिंता का लेवल बढ़ जाना, डिप्रेशन हो जाना, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाना, इंसोमेनिया वन हु कैन नॉट स्लीप मतलब जो सो नहीं पाता है, और कंसंट्रेशन मतलब कि कमी होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता की भावना का कम होना, इसे बोल सकते हैं ऐसा। आगे रिडक्शन इन आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर ना जाना, और रिडक्शन फिजिकल ग्रोथ मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह ना करना, कुछ भी हेल्थ इश्यूज एंड चिल्ड्रन टू एडल्ट्स एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, बच्चे हों या फिर वृद्ध हों, सभी के सभी सोशल मीडिया की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। आगे और भी कुछ पॉइंट हैं, मास रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी, टाइम फॉर स्टडीज, फॉर एनी ऑफिस वर्क मतलब ज़्यादा भीड़ ना होना ऑफिस वगैरह में, इंक्रीज इन द इश्यूज़ लाइक हेडेक, आईज, ये मैंने कुछ पॉइंट्स वहाँ पर रिपीट कर दिए इसके लिए सॉरी, ये सारी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक हेडेक वगैरह हो जाना, आईज पेन होने लगती हैं, नेक पेन जब कुछ सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज करता है, उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ एंड रिमर्स मिसलीडिंग द पीपल, सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है। 10वां नंबर भी इसका इंपॉर्टेंट है कि फेक न्यूज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं सोशल मीडिया पे, आदमी पॉजिटिव न्यूज़ को, आदमी हो या कोई भी हो, हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ को कम स्प्रेड करने में मदद करता है, निगेटिव्स को बहुत जल्दी फैलाता है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आ जाता है। काफ़ी लोग तो ऐसा बोलते हैं, कभी कभी ऐसे भी मैसेज देखने को मिल जाते हैं कि 10 लोगों को शेयर करो, आपकी नौकरी कल सुबह लग जाएगी, नहीं तो आप कल सुबह नहीं बचोगे, ऐसे ऐसे काफ़ी लोग मैसेज शेयर कर देते हैं ग्रुप्स में, 15 ग्रुप्स में शेयर करो, भाई साहब 15 ग्रुप्स ही नहीं है तो कहाँ पर शेयर करो, 15 लोगों को शेयर करो, व्हाट्सअप में 15 लोग ही नहीं है तो कहाँ से शेयर करूँ, सिंपल सी बात बन के आ जाती है। थैंक यू गाइस, ये अपना पार्ट वन था, थोड़ा सा बड़ा हो गया बट डोंट वरी, अभी टाइप सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं। टाइप सेकेंड विथ इंट्रोडक्शन आपको स्टार्ट करना हो यहाँ पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जयंश सिंह एंड आई एम ग्लैड टू स्टार्ट डिस्कशन ऑन अ टॉपिक इंपैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन आवर लाइफ्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सोशल मीडिया का इज बहुत एक ही तरह है इन आवर लाइफ्स, सोशल नेटवर्क इज वन ऑफ द पावरफुल मीडिया, आप इंट्रोडक्शन के साथ में बोल सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन पहले बोलना उसके बाद अपना टॉपिक के बारे में बोलना। विच इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर एंड ऑब्टेंड एट एनी टाइम, सोशल मीडिया के थ्रू हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और उसमें इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी भी टाइम को प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द फास्ट एंड कन्वीनियंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, बट मतलब कि सबसे फास्ट मतलब सोशल मीडिया तरीका जिससे हम अपने दोस्तों से किसी भी बात कर सकते हैं किसी भी तरह से,
बट वही बात आ जाती है, गुड और बैड इम्पैक्ट होते हैं हमारे जीवन में। इट हैज़, मैंने ऊपर वाले में बहुत कुछ बता दिया, उससे आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। बस ये वाला मैंने लिख दिया कि टाइप सेकंड लिख देते हैं। इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस, लाइक वी यूज टू गेट न्यूज़ अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि हम जान सकते हैं शॉर्ट में कि अराउंड द वर्ल्ड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है। वी ऑफन डू नॉट गेट अ चांस टू मीट फ्रेंड्स, हम अक्सर बहुधा करके दोस्तों से मिलने का मौका नहीं मिल पाता। द फैमिली हु आर स्टेइंग फॉर, लाइक हमारी जो फैमिली होती है हमसे दूर रहती है, हम अब्रॉड में रहते हैं, हमारी फैमिली अब्रॉड में रहती है। वी कैन स्टे कनेक्टेड विद देम थ्रू सोशल साइट्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम, हम उनसे कनेक्ट रह सकते हैं सोशल साइट्स के थ्रू, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अवर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक डिजिटल इंडिया, बट आई बिलीव्ड, हमारी गवर्नमेंट जैसे प्लान कर रही है डिजिटल इंडिया का बहुत दिनों से, बट आई बिलीव्ड विदाउट सोशल नेटवर्किंग इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेक डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी। हमें पता है कि विदाउट सोशल मीडिया हमें ये डिजिटल इंडिया बनाना और कैशलेस इकोनॉमी वाला सिस्टम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये वाला मैंने थोड़ा मतलब तेज़ी से बता दिया, लेकिन कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। मैंने ऊपर वाले में बहुत कुछ बता दिया था, उतना ही उसी से आप कर लो जो आपको करना हो। कुछ पॉइंट्स आप निकाल लो, जैसे 10 पॉइंट मैंने निगेटिव बोल दिया, दो चार पॉइंट लिख सकते हो यार, जो आपको बेस्ट लगे वो लिख लो, ठीक है। बाकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और जो पार्ट सेकंड था ना ये वाला, यहाँ पे मैंने सीधा आपको उसके फेवर में ही बोला है, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया का सीधा सीधा फेवर में ही बोला है, जबकि सोशल मीडिया तो ऐसा टॉपिक है निगेटिव तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो निगेटिव एस्पेक्ट है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव भी ज़्यादा है, हमें पॉजिटिव पर फोकस करना चाहिए, निगेटिव से हमें क्या मतलब, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।